भी एक प्रश्न, ये हर्षवर्धन मेरा सर खा जाता है हमेशा, एक प्रश्न है कि इथेनॉल के लिए फाइनेंस नहीं मिलता है क्योंकि अभी हालत कुछ कोऑपरेटिव चीनी मिलों की खस्ता हालत है। पहले तो एनसीडीसी ने एक फैसला ले लिया, महाराष्ट्र की सारी चीनी मिलों को हम डायरेक्ट महाराष्ट्र सरकार के थ्रू फाइनेंस करेंगे और आरबीआई चीनी सेक्टर, कोऑपरेटिव चीनी सेक्टर के नॉर्म्स को भी थोड़ा रिलैक्स कर उनको सरलता से ऋण मिल पाए, इस प्रकार की व्यवस्था करने जा रही है। इसके साथ साथ एस्रो अकाउंट की व्यवस्था भी की है, तो तेल कंपनी सीधा लोन देने वाली बैंक को आपका पेमेंट भेज देगी, आपका उत्पादन का खर्च आपके अकाउंट में आ जाएगा और मुनाफा जो है सीधा तेल उत्पादन कर, अरे बैंक जिसने लोन दिया है इसके पर चला जाएगा। और इथेनॉल पर जीएसटी जो 18% था उसको कम कर 5% कर दिया गया है, जिससे भी चीनी मिलों की वायबिलिटी में बहुत बड़ा फायदा होगा। मित्रों, बहुत सारे सेक्टर में हमने इनिशिएटिव लिए हैं।